हेलो आर्टीज, आई एम अमृतपाली अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल अमरी आर्टीज। हमारी लास्ट वीडियो में हमारी एक व्यूअर ने पुलाव की रेसिपी शेयर करने की रिक्वेस्ट की थी, तो आज हम आपसे पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं पुलाव। पुलाव बनाने के लिए जो हमने सामान लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने लिया है थोड़ी सी गोभी, थोड़ा सा मोटी कटी हुई, और दो आलू जिनको हमने मोटे क्यूब्स में काट लिया है, आधा कटोरी मटर, इन सबको हमने काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है, सवा ग्लास चावल जिनको हमने अच्छे से वॉश करके भिगा दिया है, मीडियम साइज के 8 टमाटर जिनको हमने बारीक काट लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज जो बारीक काट लिए हैं, और 4 लहसुन की कलियां वो भी बारीक काट ली हैं, थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और सभी मसाले स्वाद अनुसार, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर एंड जीरा। ये जो हमारा सामान है इससे 4 लोगों का पुलाव तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले गैस पर कुकर रख लिया है, और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैं पुलाव में मस्टर्ड ऑयल प्रीफर करती हूँ, आप जो ऑयल डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से अलग ही टेस्ट आता है पुलाव में। थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, 2 छोटे चम्मच जीरा डाल दूंगी, हमारा जीरा हो गया है। अब इसमें प्याज और लहसुन डाल देंगे, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसके साथ में हम इसमें कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गया है, अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। इनको भी खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम नमक अभी डाल देंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से फ्राई हो जाए। देखिए टमाटर हो चुका है सॉफ्ट होकर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम अच्छे से मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हल्दी, नमक तो हम पहले डाल चुके थे, मिर्च, धनिया पाउडर, एंड कसूरी मेथी। अब इन सभी मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें कटी हुई गोभी मटर और आलू डाल देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत सुंदर सा कलर आ गया है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। हमने इसमें चावल डाल दिए हैं और साथ ही पानी भी डाल दिया है, क्योंकि हमारे 1/2 ग्लास बासमती चावल थे तो हमने इसमें पानी 1.5 ग्लास डाला है। अब इसको अच्छे से चलाते हुए कुकर को बंद कर देंगे और 2 विसल लगाएंगे। कुकर में 2 विसल आ चुकी हैं, प्रेशर भी निकल चुका है कुकर का। अब हम इसको खोलते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारा पुलाव तैयार है। अब इसको हम ऊपर से हरा धनिया की गार्निशिंग करके सर्व कर देते हैं। ये देखिए टेस्टी पुलाव तैयार है।
आप चाहें तो इसमें ऊपर से देसी घी डालकर सर्व कर सकते हैं, उससे और टेस्ट आ जाएगा। थैंक यू।